स्पॉट दिए रखा, यानी आपको सेंटेंस में गलती पहचाननी होती है। और ये फर्स्ट है 2020 का जनवरी में। अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर हफ्ते हर मंगलवार को एक ऐसा टेस्ट पेपर मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूं। तो मंगलवार को अगर ये प्रिपेयर होता है तो बुधवार को सुबह आपको मिल जाना चाहिए, और अगर उससे पहले नहीं मिलता है तो पहले आप ऐसा कीजिए, इसमें वीडियो को पॉज करके इनको देखिए, सेंटेंसेस को, इनमें हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं एरर है, आपने उस एरर को ढूंढना है और सेंटेंस को करेक्ट करना है। पेपर में तो आता है अंडरलाइन पार्ट आते हैं, आपने उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किस पार्ट में गलती है, और किसी में गलती नहीं है तो वो ऑप्शन भी उसमें एक होता है। फिलहाल देखिए, रोक के आप ट्राई कर लीजिए, ये 8 सेंटेंस हैं, 8 में से कितने सेंटेंसेस में आप गलती को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और जितनी तरह की गलतियां हम करते हैं वो अलग अलग टाइम पे मेरे चैनल पे डिस्कस हुई हैं, अलग अलग वीडियोस में, उनका भी मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक का रेफरेंस आपको बता दूं कि इस सेंटेंस में जो गलती हुई है उनको अगर आपने पढ़ना है, उनके बारे में ज्यादा जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को रेफर करें, और उनको नीचे में रेफर उसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। फिलहाल आप देखिए, नाउएडेज ए प्यूपिल्स बैग कुड वे एज मच और मोर देन द प्यूपिल हिमसेल्फ। आजकल एक बच्चे का बैग इतना भारी हो सकता है जितना कि बच्चा है या उससे ज्यादा, आप देखते हैं। तो इसमें गलती देखिए इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कहां करते हैं, जब ये एज मच आप फ्रेज यूज करते हैं तो इसमें मच के बाद भी एज होता है, एज मच एज, ये पूरा। तो इसमें ये एज यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, तब ये आपका सेंटेंस ठीक होगा। अगला सेंटेंस, आई वुड गो इफ आई वाज यू, ये कंडीशनल सेंटेंस है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर गलत है। कंडीशनल टाइप 2 है, कंडीशनल सेंटेंसेस पे मेरी वीडियो है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अलग अलग भी है और एक इकट्ठी भी, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर वाज की बजाय वर होना चाहिए। आई वुड गो इफ आई वर यू, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं चला जाता। जैसे मान लिया किसी का इंटरव्यू आया हो और वो अपने दोस्त से जिक्र कर रहा हो कि यार मैं तो असमंजस में हूं कि वहां जाऊं कि ना जाऊं, कभी लगता है कोई फायदा नहीं है जाने का क्योंकि वो किसी और को सिलेक्ट कर चुके हैं, कभी लगता है कि नहीं जाना चाहिए। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं जाता। ये इसका मीनिंग है। अब दिस बुक कंटेन्स लेस एनेक्डोट्स देन इट्स प्रीवियस एडिशन, इस बुक में कम एनेक्डोट्स हैं जितने की इससे पहले एडिशन में थे। अब देखिए जो एनेक्डोट्स है ये एक काउंटेबल नंबर है, और जो काउंटेबल नंबर होती है उनके साथ लेस नहीं लगता, लेस की बजाय फ्यू यूज होता है कुछ के लिए, तो फ्यूअर कम, जिनकी गिनती की जा सके उनके लिए फ्यू वर्ड होता है और जिनकी गिनती ना की जा सके उनके लिए लिटिल यूज होता है। तो ये लिटिल की सेकंड फॉर्म है, लेकिन एनेक्डोट तो काउंटेबल नाउन है इसलिए फ्यू की सेकंड फॉर्म यहां पर आएगी, फ्यू वर्ड। अगला
कि गलती तुम्हारी है। देखिए जो डेटा है ये अंग्रेजी के कुछ उन शब्दों में से है जो कि आमतौर पे प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। तो डेटा एक प्लूरल फॉर्म है और इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है वो डेटम होती है और इसका जो प्लूरल बना तो वो डेटा। तो डेटा होने का मतलब है ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो सजेस्ट ना होके सजेस्ट होगा, ये एस्पेक्ट रहेगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने डिस्कस किया है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी डिस्कस किया है। द मीडिया हैज बीन वेरी पार्शियल फॉर क्वाइट सम टाइम। कोई राजनेता कह रहा है, देखिए हर पार्टी जितनी राजनीतिक पार्टियां हर एक को लगता है कि मीडिया जो है पार्शियल रिपोर्ट कर रहा है, दूसरी पार्टी का फैक्ट कर रहा है। इसलिए कोई नेता बोलते हैं कि मीडिया पिछले कुछ दिनों से पक्षपात पूर्ण हो गया है। तो ये जो मीडिया है ये भी डेटा की तरह प्लूरल नाउन है और इसके साथ भी वर्ब उसी हिसाब से आए। मीडिया प्लूरल है तो यहां हैज ना होके हैव। फिर ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अगला, द ओनली क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इज परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन। कोई रिक्रूटमेंट का नोटिस निकला है, उसमें कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन का एक ही क्राइटेरिया होगा और वो होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से ही सिलेक्शन होगा और कोई इंटरव्यूशन नहीं होगा। तो ये जो क्राइटेरिया है ये भी डेटा और मीडियम की तरह प्लूरल है। अब क्योंकि ये तो एक ही क्राइटेरिया है तो इसके साथ हम यहां कहीं इज की जगह आर तो नहीं लगा सकते, क्योंकि क्राइटेरिया है ही है। तो हमें क्राइटेरिया का जो सिंगुलर नाउन होता है वो यूज करना पड़ेगा। तो क्राइटेरियन ये सिंगुलर फॉर्म होती है और क्राइटेरिया ये प्लूरल फॉर्म होती है। तो क्राइटेरियन ये यूज करना पड़ेगा। द ओनली क्राइटेरियन फॉर सिलेक्शन इज परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन। फिर आपका सेंटेंस ठीक हो। वन कैन ऑलवेज स्माइल एट स्ट्रेंजर्स। आपको कोई भी अजनबी दिख रहा है आप मुस्कुरा तो सकते ही हैं, ये कहना चाह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कांट यू। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन टैग का है और क्वेश्चन टैग में मेरी जो वीडियो है उसमें बताया गया है कि आपने टेंस को नहीं बदलना है। अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है मेन, तो आपका जो क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस है वो नेगेटिव में हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो वो अफर्मेटिव में हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट और टेंस वही रहेंगे। इसमें ये तो ठीक है कैन था अफर्मेटिव, कांट आपने कर दिया ये नेगेटिव हो गया, ये चेंज तो ठीक है, टेंस भी वही है, लेकिन जो सब्जेक्ट है यहां पर आपका सब्जेक्ट वन है और यहां पर आपने जो सब्जेक्ट है वो यू बना दिया, तो ये चेंज कर दिया आपने, ये मेल लिखा उसके साथ। इसलिए या तो यहां पर भी यू होता, यू कैन ऑलवेज स्माइल एट स्ट्रेंजर्स कांट यू, तब तो ठीक होता, या वहां भी मन कीजिए आप वन कैन ऑलवेज स्माइल एट स्ट्रेंजर्स कांट वन, तब तो ठीक होता। और लास्ट, the patient may have recovered if the doctor had arrived in time। कहना वो ये चाह रहे हैं कि डॉक्टर अगर टाइम पे आ जाते
उसकी सेकंड फॉर्म है और मैं की सेकंड फॉर्म माइंड है। तो यहां पर माइंड अगर आप लिखेंगे तो ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने देखी वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कमेंट्स तो शायद आप नहीं लिख पाएंगे आज से, उस यूट्यूब ने चेंज किया है, लेकिन मैं अपना ईमेल आईडी आपको दे देता हूं, आप उस पे मुझे कमेंट्स लिख सकते हैं, और वो है इंग्लिश विद फिर मेरा नाम राम देसवा @gmail